Can you listen me? I am Dr. Farid from Behavior Sciences. Zara. Can you listen me, beta? Yes, okay. Thank you everyone, thanks. Assalamu alaikum, how are you? Everyone is fine? Okay. My voice is clear? Yeah, okay, thank you. Now I am starting my lecture. Our today's topic is emotional intelligence. What is emotional intelligence? What is intelligence? There are two types of intelligence. One is rational and other is emotional. Rational, all of you know, rational means where there is some logic, there is reasoning, that is called the rational intelligence. And emotional intelligence, if I will tell you the definition later on, you will come to know emotional intelligence is the intelligence which is flexibility in your intelligence. Okay? Modification and flexibility. With the logic and reasoning, you do some modification and flexibility, that is called emotional intelligence. All of you know about Barack Obama, first African American president. African, वहाँ पे आपको पता है अमेरिका में they are very biased, वो काले गोरे का बहुत डिफरेंस रखते हैं अमेरिकन. You know about new government, लेकिन वो बराक ओबामा 8 years रहा है, 2 times elect हुआ है, but was the quality. IQ उसका 130 था. Rational intelligence की अगर हम बात करें, IQ की बात करें, तो that was 130, above average. Not gifted, not superior. Okay? It was just above average. तो उसके बारे में माइकल्स ने कहा था, if I had to point at one thing as the reason of his success, I would say that his ability to control his emotions. That is the emotional intelligence. How you control your emotions. आप मैनिपुलेट नहीं होने देते किसी से अपने इमोशंस को, और अपने इमोशंस को प्रॉपरली यूज करते हो फॉर योर ओन एडवांटेज. ओके, टू गिव द बेनिफिट टू अदर पीपल एंड आल्सो गिव द बेनिफिट टू योर सेल्फ बाय यूजिंग योर इमोशंस, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस, द कैपेसिटी एंड द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू पुट द इमोशन अंडर द कंट्रोल ऑफ रीजन एंड टू यूज देम टू हिज एडवांटेज. एज आई सेड दैट रैशनल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस बोथ आर सेमी डिफरेंट. आई एम सेइंग सेमी डिफरेंट, नॉट टोटली डिफरेंट. आप इनको बिल्कुल अलहदा अलहदा ये नहीं कह सकते कि एक इंसान है उस वो लो IQ का है और वो इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट हो जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं होता. कैन यू लिसन मी पीटर? As I said, can you listen me, dear students? Yes. Okay. Both intelligence are semi-different. Semi-different mean, it doesn't mean that one person, if he has low IQ, तो वो emotionally बहुत intelligent हो सकता है. ऐसा इंसान जो कि बहुत high IQ का है और on other hand बहुत high IQ का है और emotionally भी बहुत intelligent होगा, ऐसा भी नहीं होता. दोनों चीजें semi different हैं. No, your IQ is 50% environmental. Environmental में आपकी parenting, schooling, your social factors that affect.
एंड 50% डीएनए एंड इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली दैट इज टोटली फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, फ्रॉम योर दैट इज लर्नड रिक्वायर्ड. आप टाइम के साथ साथ इसको इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाते हो. एट योर टाइम जब आप यू विल बिकम इन माई एज, यू विल फील कि अब आपकी यू आर इमोशनली मोर इंटेलिजेंट. आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना जान जाते हो. दैट इज आपको जो एनवायरमेंट है और सोशल फैक्टर है वो ये सिखा देते हैं. इज इट ओके? नो. इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली मोटिवेशन, इट्स कंपोनेंट मोटिवेशन, सेल्फ एस्टीम, डिसीजन मेकिंग, कमिटमेंट, इंटरपर्सनल अवेयरनेस. इंटरपर्सनल अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एम्पैथी बिल्डिंग. एम्पैथी बिल्डिंग ऑब्वियसली दैट इज द बेस्ट टूल फॉर ऑल डॉक्टर्स, बट ऑन अदर हैंड दैट टूल इज नॉट फॉर डॉक्टर, फॉर एवरी वन. एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now, component of emotional intelligence. First component is knowing one's awareness. आप खुद से अवेयर हो, अपने आप से अवेयर हो कि you know about your feeling, know about your emotions. If you know and properly अंडरस्टैंड योर फीलिंग, जैसे बुले शाह कहते बंदिया अपने आप नु जान, देट इज सेल्फ अवेयरनेस. पहले अपने आप को जानोगे तो दूसरों को जानोगे. हम दूसरों को पहले जानने की कोशिश करते हैं, अपने आप को नहीं जानते. तो सेल्फ, और उसका क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि इफ यू डोंट नो अबाउट योर फीलिंग्स एंड डोंट नो अबाउट योर इमोशंस, आप प्रॉपर डिसीजन नहीं करोगे. योर कैरियर, आप अपना कैरियर चूज करने लगते हो और हायर इश्यूज होते हैं, मैरिज इश्यू होते हैं. तो एट दैट टाइम इफ यू डोंट नो अबाउट योर फीलिंग एंड इमोशन कि आप कौन सा कैरियर आपके लिए सूट करता है, किस इंसान से आप प्रॉपरली यू ट्रूली लव, अगर आप ये अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. आप प्रोज एंड कॉन्स देखते हो कि मुझे इससे शादी करनी है या इस ये कैरियर चूज करना है तो इसका क्या एडवांटेज है. अगर इसको प्रॉपरली आप अवेयर नहीं होगे तो हाउ यू कैन डिसाइड. द सेकेंड इज मैनेजिंग इमोशन. मैनेजिंग इमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एज द एरिस्टोटल सेड, आपको पता है एरिस्टोटल ने कहा था, टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन एट द राइट डिग्री एट राइट टाइम फॉर द प्रॉपर फॉर द राइट पर्पस एंड इन अ राइट वे. ठीक है, राइट वे में भी होना बहुत जरूरी है, प्रॉपर डिग्री भी होना बहुत जरूरी है, प्रॉपर टाइम भी होना बहुत जरूरी है. इफ यू आर एंग्री विद समवन, आपको बहुत गुस्सा आ गया है, किसी बात पे गुस्सा आ गया है, किसी मीटिंग में हो, किसी फंक्शन में हो, किसी ने आपको कुछ ऐसी बात कह दी है, अब आपका दिल तो कह रहा है, आपका आपका दिल बेसिकली ये एक हम बहुत लेमेन लैंग्वेज है कि दिल का वर्ड यूज करते हैं. दिल बेचारा तो कुछ नहीं करता, बेसिकली एवरीथिंग इज इन योर ब्रेन. ओके, तो अब वो जो आपकी इड कह रही है, आपका इमोशन कह रहा है, यू आर इन एंग्री कि बस इसको अभी सुना दो, इसको अभी मार डालो, लाइक इस तरह का आपका इमोशन आ रहा है, एंगर का इमोशन आ रहा है. नो, यू मस्ट नो हाउ टू मैनेज योर इमोशन. आपको गुस्सा करना है कहाँ भी करना है, प्रॉपर वे में करना है. और आई एम नॉट सेइंग कि गुस्सा करना ही नहीं है, गुस्सा ना करना दैट इज नॉट इमोशनल इंटेलिजेंस. ऑब्वियसली आपका इमोशन है, आपने डिस्प्लेसमेंट करनी है, डिफेंस मैकेनिज्म यूज करना है अपना, दैट इज ऑब्वियसली बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर योर हेल्थ. तो आप बट you have to use this emotion in a proper way, in at the proper person and at the right time. That time is not the right time.
कि इन फ्रंट ऑफ मैनी पीपल अगर आप अपने इमोशंस को, अपने एंगर को एक्सप्लोर करोगे तो आप अपने इंप्रेशन खराब करोगे. इज इट ओके? अंडरस्टैंड? दिस इज मैनेजिंग इमोशन. हाउ यू आर मैनेजिंग इमोशन? अंडरस्टूड? नाउ द थर्ड कंपोनेंट इज मोटिवेटिंग वन सेल्फ. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करोगे? ऑब्वियसली आप पहले गोल चूज करोगे. आप कोई ना कोई गोल बनाओगे कि आई हैव टू अचीव दिस. उस गोल को अटेन करने के लिए देर आर लॉट ऑफ हर्डल्स. इज इट ओके? देर आर हर्डल्स, देर आर फेलियर्स. आप उन फेलियर्स और हर्डल्स को क्रॉस कैसे करोगे? अपने आप को कैसे मोटिवेट करोगे? हाउ मच रेजिलियंस यू हैव? ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर. कि अपने आप को मोटिवेट करना है तो यू कैन सी कि दिस इज द मोटिवेशन. इफ समवन इज गोइंग डाउन आर जंपिंग डाउन, तो उसको मोटिवेशन, उसको पता है प्रोज एंड कॉन्स पता है, बट वो क्या है कि वो अपने आप को मोटिवेट करेगा हाउ टू डू, हाउ टू अचीव दिस गोल. नो रिकॉग्नाइजिंग इमोशन इन अदर, ये फोर्थ कंपोनेंट है. ऑब्वियसली आप इमोशन, इफ यू नो अबाउट योर ओन इमोशन देन यू कैन रिकॉग्नाइज अदर इमोशंस. आपको पता है कि इफ यू आर एंग्री और यू आर सैड तो आपका मूड डाउन होता है. अगर किसी दूसरे का मूड डाउन है, ही इज फीलिंग लो, देन यू मस्ट अंडरस्टैंड. आप रिकॉग्नाइज कर लोगे इस इमोशन को इफ यू नो अबाउट योर ओन इमोशन. ओके, आप इसको रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है. सपोज योर फ्रेंड इज फ्रेंड गॉट अ बैड न्यूज फ्रॉम हर होम. अब आप क्या करते हो? आप रूम में आते हो, यू आर एक्साइटेड फॉर नथिंग, फॉर नथिंग और फॉर सम लिटिल थिंग. और अगर वहां उसके सामने आप अपनी एक्साइटमेंट शो करना शुरू कर देते हो इन स्पाइट ऑफ विदाउट जजिंग और विदाउट रिकॉग्नाइजिंग हर इमोशन दैट शी इज इन सैड मूड, व्हाट विल हैपन? ऑब्वियसली इट विल गिव, दैट इज नॉट अ इमोशनल इंटेलिजेंस. आपकी एम्पथी नहीं बिल्डिंग होगी. ठीक है, तो यहाँ पे एम्पथी बिल्डिंग के लिए आप इमोशंस को अंडरस्टैंड करोगे, दूसरे के इमोशंस को रिकॉग्नाइज करोगे. Now the fifth component is your handling emotions. कैसे relationship? Sorry, relationship. आप कैसे relationship को handle करोगे? Relationship handling is basically very important component. आपके leaders, आपके teachers, friends, colleagues, family members. We all are handling the relations. How you, we handle these relations? That is the guts. Guts ये नहीं है, ये relation जो अल्लाह ताला ने बना दिए हैं वो तो obviously handle करने होते हैं. But आप इसको कितने अच्छे तरीके से handle करते हो? How many people are satisfied? How many people are happy with your relationship? And how many people, how you are commanding? आप ये नहीं है कि आप बिल्कुल, अगेन आई एम, कि आप बिल्कुल डाउन साइड पे हो जाओ कि उन रिलेशंस को सेटल करने के लिए या उन रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए खुद को किल कर दो. दैट डजंट मीन, दैट इज नॉट इमोशनल इंटेलिजेंस. ओके, अपने आप को किल नहीं करना. ठीक है, यू आर हैंडलिंग द इमोशन. इफ यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट, यू आर गुड, हैविंग गुड रेजिलियंस, गुड लीडरशिप क्वालिटीज. कुछ मनवा रहे हो, कुछ मान रहे हो. ठीक है, नॉट एवरीथिंग के आप सब कुछ ही मानो. इज इट ओके? फाइव कंपोनेंट, नोइंग ओन इमोशन, सेल्फ अवेयरनेस. सेकेंड इज मैनेजिंग इमोशन. थर्ड इज मोटिवेटिंग वन सेल्फ, योर सेल्फ. एंड रिकॉग्नाइज, फोर्थ इज रिकॉग्नाइजिंग इमोशन इन अदर. फिफ्थ इज हैंडलिंग इमोशन. अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम up to here? Any problem?
एनी प्रॉब्लम बेटा? नो नो कम नो, आई एम कमिंग फॉर न्यूरो एनेटमी। थोड़ा सा न्यूरो एनेटमी का आपको बता देती हूँ। बेसिकली दिस इज योर फ्रंटल लोब। दिस फ्रंटल लोब विच मेक यू अशरफुल मखलूकात, विच इज डिफरेंट इन एनिमल एंड ह्यूमन। यहाँ पे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, फ्रंटल लोब टोटली क्या है? रीजनिंग, लॉजिक, रैशनैलिटी, मॉरेलिटी, मोटिवेशन, स्पीच। इट मीन्स के कंटेंट्स जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि आईक्यू एंड ईक्यू बोथ लाइज हेयर। ओके, अब क्या है यहाँ पे, आपकी जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है अगेन डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, डार्सोलेटरल, वेंट्रोमीडियल एंड ऑर्बिटो फ्रंटल। बेटे मुझे इतनी अच्छी कोई डायग्राम नहीं मिली जिसमें सारे पार्ट्स को प्रॉपरली बता सकूं, लेकिन ये कि जस्ट अबव योर नोज एंड योर ऑर्बिट, दैट पार्ट इज ऑर्बिटो फ्रंटल, ऑर्बिटो फ्रंटल, और फिर डॉर्सोलेटरल आता है, वेंट्रोमीडियल आता है। जी तो कोई बात नहीं, खुद ही चलाई थी, कोई डजन मिनट में। नो, आपके क्या है कि प्री फ्रंटल का आपका, यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि प्री फ्रंटल में आपके थ्री पार्ट्स होती हैं, ऑर्बिटो फ्रंटल, देन डॉर्सोलेटरल, वेंट्रोमीडियल। डॉर्सोलेटरल इज द पार्ट विच टेल यू कि व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। योर इड सेज कि आपका कोई प्लेयर जोन होता है जो आपको कहता है अभी के अभी ये चीज अचीव कर लो, अभी के अभी आप ये काम कर लो। बट अगेन वही बात है कि आपने उसको मैनेज करना है। अगर आपको यू आर एंग्री या हैप्पी, एक्साइटेड, आपको पता है कि मैंने अपनी एक्साइटमेंट कहाँ पे शो करनी है, एंगर कहाँ पे शो करना है, लव, व्हेन टू शो योर लव, व्हेन टू शो योर हेट। ओके, आप, आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल हाइड कर लो इन इमोशंस को, हाइड नहीं करना, आपने इनको प्रॉपर पर्पस के लिए प्रॉपर वे में एक्सप्रेस करना है, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। तो क्या है ये आपका राइट और रॉन्ग, कि क्या चीज कहाँ पे गलत है, नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो होती है आपकी, वो आपका डॉर्सोलेटरल बताता है। वेंट्रोमीडियल है दैट टेल्स यू अबाउट इमोशंस, आप क्या रिकॉग्नाइज करते हो इमोशंस इन अदर पीपल, दैट इज योर डॉर्सो वेंट्रोमीडियल। देन ऑर्बिटो फ्रंटल, ऑर्बिटो फ्रंटल इज दैट विच टेल्स यू द प्रोस एंड कॉन्स, किसका, इस चीज का क्या फायदा है, इस चीज का क्या नुकसान है। लाइक सपोज आप क्लास में हो, क्लास में टीचर आपको डांट देती है, डांटने के बाद आपका आप बहुत एंग्री हो और अपना एंगर शो करना चाहते हो टीचर के साथ, बट यू नो कि इसका क्या प्रोस है, इन क्या कॉन्स है, इसका क्या नुकसान है, कि एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। सो यू मैनेज योर इमोशन एट दैट टाइम, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। ये आपको ऑर्बिटो फ्रंटल जो लोब है, प्री फ्रंटल का ऑर्बिटो फ्रंटल पार्ट, दैट टेल्स दैट बेसिकली मैनेज इट। गोल्डमैन एस्पेक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? नोइंग वन इमोशन, सेल्फ अवेयरनेस एंड रिकॉग्नाइजिंग एन इमोशन व्हेन इट अकर्स, व्हेन इट अकर्स। ओके, सेल्फ अवेयरनेस है, रिकॉग्नाइजिंग एन इमोशन व्हेन इट अकर, मैनेजिंग इमोशन। द सेकंड पार्ट इज आपका इमोशन आ गया, आप इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, अब आपने मैनेज करना है, हैंडल करना है, हैंडल करना है इन अ फैशन टू बिल्ड on self-awareness, how you can manage it, motivate yourself. Now this is a challenge, basically ये challenge होता है कि
कि अपने आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया है किसी पे, या आपको ठीक है बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो क्या है आपका मोटिवेट, आपने अपने आप को करना, नहीं अभी मैंने नहीं बोलना, अभी मैंने इसके साथ फाइट नहीं करनी, दिस इज नॉट द प्रॉपर टाइम, इसका बहुत ज्यादा मुझे डिसएडवांटेज हो सकता है, मेरा इंप्रेशन खराब हो सकता है, दैट इज योर मोटिवेशन, यू आर मोटिवेटिंग योर सेल्फ, यू आर कंट्रोलिंग योर इमोशन एंड मोटिवेटिंग योर सेल्फ, रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस इन अदर, अगेन एम्पथी, एप्रिसिएशन ऑफ डिफरेंस इन इन पीपल एंड सेंसिटिविटी टू अदर्स फीलिंग, आप दूसरों की फीलिंग को फील करो, दैट आई वॉज सेइंग कि आप आपका रूममेट या आपकी फेलो, आपकी फ्रेंड कोई सैड है, आपके पेरेंट्स सैड है, तो आप इमोशंस के रिकॉग्नाइज करो, एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, दैट इज बेटर रादर देन दैट कि आप इमोशनल इलिटरेसी शो करो, हैंडलिंग इमोशंस, रिलेशनशिप एंड मैनेजिंग इमोशन अदर्स, ऑब्वियसली दैट इज अगेन एन इम्पोर्टेंट पार्ट. डिफरेंस बिटवीन आई क्यू एंड ई क्यू. आई क्यू क्या है? इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है. ई क्यू इमोशनल कैपेसिटी है. आई क्यू डील्स विद रीजन, लॉजिक एंड डेटा बेस अलोन, लार्जली इननेट इनहेरिट. और जो ई क्यू है डील्स विद द फीलिंग, इमेजिनेशन, इंट्यूशन. इंट्यूशन क्या होती है? ऊपर से कोई आपकी सोच आ जाती है, ये दैट इज बेसिकली कलेक्टिव अनकॉन्शियस. कलेक्टिव अनकॉन्शियस, आपके अनकॉन्शियस में कोई चीज आ जाती है, एंड दैट इज योर इंट्यूशन. फैंटेसी, पेशन, मॉरेलिटी, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लार्जली इट इज लार्जली लर्न्ड. ईक्यू इज लर्न्ड एंड एक्वायर्ड. रिसर्च पता क्या बताती है? रिसर्च टेल्स दैट फीमेल्स हैव, मेजोरिटी फीमेल्स, आई एम नॉट सेइंग 100%, दैट इज रिसर्च हमेशा आपको पता है जो होती है वो आपको एक फिगर देती है, एक नंबर देती है. मेजोरिटी फीमेल्स दैट हैव गुड ईक्यू एंड मेजोरिटी मेल्स, आई एम नॉट सेइंग 100%, एंड मेजोरिटी मेल हैव हाई आई क्यू. बेसिकली आपका जो लिम्बिक सिस्टम है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ई क्यू. जो डेंड्रॉइड एंड न्यूरॉन कॉम्प्लेक्सिटी है वो फीमेल में लिम्बिक सिस्टम एंड द डॉर्सम ऑफ योर फ्रंटल लोब दैट इज इंक्रीज्ड इन फीमेल. और मेल में क्या है कि जो फ्रंटल लोब है वहां पे डेंड्रॉइड कॉम्प्लेक्सिटी इज इंक्रीज. दैट इज दैट्स वाई क्या था डेफिनेशन में भी हमने कहा था, रीजन एंड लॉजिक. जो ई क्यू है इसमें आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है, अगेन मैंने आपको बताया था सेमी डिफरेंट, नॉट टोटली डिफरेंट. इट डजेंट मीन दैट द पर्सन हु हैज वेरी हाई ई क्यू हैज लो आई क्यू, एंड इट डजेंट मीन दैट वेरी हाई आई क्यू पर्सन हैव वेरी हाई ई क्यू. मोस्टली इट इज सीन दैट द पीपल हु हैव वेरी हाई आई क्यू दे हैव मॉडरेट ई क्यू, नॉट वेरी हाई. ई क्यू उनका अच्छा होता है लेकिन ई क्यू उनका बेस होता है विथ एज इंक्रीज अच्छा हो जाता है, बिकॉज रीजन एंड लॉजिक उनका इंक्रीज हो जाती है, रीजनिंग हो जाती है, लॉजिक हो जाता है, प्रीवियस जो प्रैक्टिस होती है, प्रीवियस एक्सपीरियंस होते हैं उससे वो कोरिलेट कर लेते हैं. लेकिन मोस्टली ये भी देखने में आया, रिसर्च कहती है कि जो हाई आई क्यू वाले लोग होते हैं वो स्ट्रेसफुल कंडीशन को अच्छा हैंडल नहीं कर सकते, प्लस कन्फ्रंट करते हैं फेस टू फेस, मैनेज नहीं कर सकते इमोशंस को, फेस टू फेस फेस कन्फ्रंट करते हैं, बट विद एज दे मैनेज इट. ई क्यू, जिनका ई क्यू अच्छा होता है वो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, और आई क्यू वाले बुक स्मार्ट होते हैं. स्ट्रीट स्मार्ट दे हैव गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, लोगों के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं,
दे नो इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप मीन्स इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस ये होती है कि आप अपने आप को जानते हो, और इंटरपर्सनल ऑब्वियसली यू आर रिकॉग्नाइजिंग, इफ यू आर रिकॉग्नाइजिंग इमोशन इन योरसेल्फ देन यू कैन रिकॉग्नाइज इमोशन इन अदर पीपल. ओके, अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? किधर हो? सॉरी, आ रहा है. थैंक यू बेटा, थैंक यू एंड फॉर इक्यू एंड आईक्यू. द प्राइस ऑफ इमोशनल इलिटरेसी मीन्स कि इफ यू आर इलिटरेट, इमोशनली इलिटरेट डजंट मीन कि आपके पास बहुत हाई फाई रैंक नहीं है, आपका आईक्यू बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छे ग्रेड लिए हैं, आप हाई जॉब्स करते हो, बहुत अच्छी आप कंप्यूटर इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छे हो, यू हैव अ गुड नॉलेज, बट क्या इमोशनल इलिटरेसी अगर आप में है, having very high IQ but emotionally आपने अपने आप को मैनेज नहीं किया, emotional intelligence basically आपको बैलेंस पर्सनैलिटी देती है. IQ आपको बैलेंस पर्सनैलिटी नहीं देगा till you learn emotional literacy. Now illiteracy अगर emotional होगी क्या होगा? Poor child rearing, properly आप अपने बच्चों को केयर नहीं कर पाओगे बिकॉज आप अपने इमोशंस को, अपने एंगर को, अपनी लव को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपनी हेट को, ठीक है, एंड अदर इमोशंस. तो एट दैट टाइम ऑब्वियसली ब्रोकन फैमिलीज होंगी, ब्रोकन होम्स होंगे, पुअर चाइल्ड रेयरिंग होगी, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होंगे, ओबेसिटी. जब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होंगे ऑब्वियसली आपके क्या होगा, आइसोलेशन, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी. जब आपका एटीट्यूड नहीं लोगों के साथ अच्छा होगा, आप रिलेशनशिप हैंडल नहीं कर सकोगे, दूसरों के इमोशंस को नहीं अंडरस्टैंड करोगे, तो क्या होगा, आइसोलेशन हो जाएगी. आइसोलेशन के बाद क्या है, आपकी डिस्क्रिमिनेशन होगी, डिप्रेशन, और डिप्रेशन में चीजें हो जाती हैं, आपकी ओबेसिटी भी हो सकती है, पहले डिप्रेशन लिखना चाहिए था. डिप्रेशन में ओबेसिटी हो जाती है, डायबिटीज मिलाइटस, हाइपरटेंशन एंड कार्डियक डिजीज़ हो जाती हैं. ड्रॉप आउट हो जाते हो, आप डिफरेंट जॉब्स करते हो, जॉब से ड्रॉप आउट, इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो तो आप डिफरेंट जॉब से ड्रॉप आउट हो जाओगे. एनिमोस्टी क्या होता है, एनिमी से निकला हुआ है कि आप दिल में बहुत गुस्सा रखते हो, अदावत, सॉरी दैट इज अ गुड वर्ड, अदावत रखते हो, और उसको आप फॉरगेट एंड फॉरगिव नहीं करते. यू आर नॉट एबल टू फॉरगेट एंड फॉरगिव. तो एट दैट टाइम क्या होगा कि ऑब्वियसली वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. अगेन इट विल कॉज अ स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस होगा, और क्रॉनिक स्ट्रेस से आपको डिफरेंट डिजीज़ की तरफ लेके जाएगा. ड्रग्स एंड अल्कोहल, लोनलीनेस एंड माइट बी सुसाइड. मार्कर ऑफ इमोशनल इलिटरेसी क्या मार्कर होते हैं, क्या कैसे वो इंसान आपको किस तरह का होता है? डिकोटिमस थिंकिंग. डिकोटिमस थिंकिंग ये होती है बेटा कि you either like something or dislike, either love someone or either hate someone. ठीक है, hate करते हो तो इंतहा दर्जे की, love करते हो तो I mean, you are mad. ठीक है, पढ़ते हो तो इतना पढ़ते हो कि you don't care about your sleep, don't care about your health, और नहीं पढ़ते तो बिल्कुल छोड़ देते हो. This is बिल्कुल क्या इसको बॉर्डर लाइन कहते हैं पर्सनैलिटी को. और आपकी थिंकिंग डिकोटोमस है,
यू आर नीलर आलर नन सॉरी आलर नन इंटॉलरेंस इंटॉलरेंस है, यू कैन वही इमोशंस को हैंडल नहीं कर सकते, उसके लिए आप के पास आपका एक मार्कर है, आप इंटॉलरेंस आपके अंदर है। पास्ट इम्पोज्ड ऑन प्रेजेंट, अगेन आपके अंदर एनिमोसिटी एंड आप पास्ट को फॉरगेट नहीं करते। क्विक बट स्लो भी रिस्पॉन्स, आपका रिस्पॉन्स क्विक होता है, रादर देन दैट यू वेट फॉर दैट। ठीक है, आप वेट नहीं करते उसके लिए, आप क्विक रिस्पॉन्स देते हो। दीज आर मार्कर्स, आप इन क्वालिटीज पे आप किसी को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हाँ जी ये इमोशनली इलिटरेसी है। मैकेनिज्म ऑफ इमोशनल इलिटरेसी, बेसिकली ये हमारा अमिग्डाला है जो नेगेटिव इमोशन का रिस्पॉन्सिबल है, ये हाईजैक कर लेते हैं। हाउ इट हाईजैक्स, आपके इमोशन को हाईजैक कर लेता है बिफोर ये कॉर्टेक्स तक जाते हैं, इनको हाईजैक करता है। कैसे करता है अभी हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मेन इलिटरेसी का रिस्पॉन्सिबल कौन है? अमिग्डाला। ओके, अमिग्डाला। नाउ यू कैन सी फ्रॉम दिस स्लाइड द स्पीडी रोड एंड थिंकिंग हाई रोड, ये थोड़ी सी साइकोलॉजी की लैंग्वेज है, नॉट मेडिकल लैंग्वेज, लेकिन मैं आपको इसको मेडिकल लैंग्वेज में लेके जाती हूँ। नाउ होता क्या है, होता ये है कि आपके जो सेंसरी ऑर्गन है, यूर फाइव सेंसरी ऑर्गन सेंसरी रिस्पॉन्स लेकर आते हैं। फ्रॉम सेंसरी रिस्पॉन्स आपका थैलेमस भी आता है, थैलेमस से डायरेक्ट इट गोज टू अमिग्डाला। लो स्पीड स्पीडी लो ट्रैफिक, स्पीडी लो ट्रैफिक, यू अंडरस्टैंड सेंसरी, आपने कुछ देखा, आपने कुछ सुना, कुछ गलत सुना, कुछ गलत देखा, आपको गुस्सा आया, या आप फियर में हो गए हो, या फिर यू आर वेरी एक्साइटेड एट दैट टाइम, यू आर सीइंग समथिंग, योर एक्साइटमेंट आर एट हाई लेवल, योर एंगर इज एट हाई लेवल, एट दैट टाइम क्या होता है कि सेंसरी आपका रिस्पॉन्स आता है थैलेमस से, थैलेमस से डायरेक्ट अमिग्डाला में आता है, और अमिग्डाला इज नॉट सपोज्ड टू एक्ट, बट इट इज एक्टिंग विदाउट पासिंग दिस रिस्पॉन्स टू प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यहीं पे एक्ट हो रहा है। आपका एक वर्निक्स एरिया होता है स्पीच का, और दूसरा वर्निक्स होता है, और दूसरा एक और एरिया होता है ब्रोंकास होता है। दोनों एरियाज के अलावा एक और एरिया होता है नीचे एसेसरी स्पीच एरिया, जहां पे अमिग्डाला अगर आप बोलना चाहते हो गुस्से में, एक्ट करना चाहते हो, तो क्या होता है कि आप एक्ट कर देते हो, किसी को मार दिया, गुस्सा करके बोल दिया, तो विदाउट रिस्पॉन्स आपकी रीजनिंग नहीं हुई, आपने थिंकिंग नहीं की, और बगैर सोचे समझे आपने एक्ट कर दिया, बोल दिया या फिर रिस्पॉन्स कर दिया, दैट इज स्पीडी लो रोड। समझ में आ गई कि क्या है, ये इमोशनल इलिटरेसी है कि आपका अमिग्डाला हाईजैक कर रहा है। नो थिंकिंग हाई रोड, थिंकिंग हाई रोड इज दैट अमिग्डाला रिस्पॉन्स आपकी सेंसरी से आया, सेंसरी से आपका थैलेमस से, थैलेमस से अमिग्डाला, एंड अमिग्डाला सॉरी अमिग्डाला से आपका सेंसरी सेंसरी कॉर्टेक्स से, सेंसरी कॉर्टेक्स से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से जब आता है रिस्पॉन्स, तो क्या है कि थिंकिंग होती है, रीजनिंग होती है, आपको टाइम मिल जाता है। ठीक है, एट दैट टाइम वो जब थिंकिंग एंड रीजनिंग होती है लॉजिक के साथ, तो देन योर रिस्पॉन्स इज सेंसिबल। दैट्स व्हाई यू नो
ये हमारी रिलीजन इस्लाम में ये कहा गया है कि जब आपको गुस्सा आए तो खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, लेट जाओ, पानी का ग्लास पियो, इज इट राइट? तो ये सारा जो है बेसिकली व्हाट इज दिस, कितना प्यारा हमारा मजहब है, पूरी साइंस है। यहाँ पे आपका क्या है कि बेसिकली यू गेट अ टाइम, आप टाइम लेते हो फॉर थिंकिंग, वो जो टाइम है बैठने से, बैठे हो तो लेट जाओ, वो जो टाइम मिला है एट दैट टाइम, आपको जब गुस्सा आता है तो आप ले, तो वो जो टाइम है आपने अमिगडाला से हाईजैक नहीं हुए, आप प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में आपकी रीजनिंग हो गई, अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड बेटा? स्पीडी लो रोड एंड हाई थिंकिंग, ओके, थैंक यू। एनी प्रॉब्लम? नो। हाउ यू विल इंप्रूव योर इमोशनल इंटेलिजेंस? पे अटेंशन टू सेल्फ एंड अदर बॉडी लैंग्वेज, दूसरों अटेंशन दो, दूसरों की बॉडी लैंग्वेज, उनके इमोशंस को देखो, लिसन मोर स्पीक लेस, ओके? आपने ज्यादा खुद बोलना है, सॉरी, दूसरों को बोलने देना है, खुद कम बोलना है। ऑब्जर्व हाउ यू रिएक्ट टू द पीपल, आप जजमेंटल तो नहीं हो जाते, ऐसा तो नहीं है दूसरे लोगों की जो ओपिनियन होती है उसको आप अपने ऊपर रख लेते हो और उस पे जजमेंटल हो जाते हैं। नो, ऑल फैक्ट्स यू मस्ट नो अबाउट ऑल फैक्ट्स, आप खुद फैक्ट्स देखो, किसी भी इंसान के लिए आपने अगर जज करना है तो खुद से जज करो, रादर देन दैट कि आप दूसरों की ऑब्जर्वेशन को खुद कैरी करो। लुक एट योर वर्क एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूमिलिटी, हम्बल होता है ना बेटा, एक ह्यूमिनिटी होती है, ह्यूमिनिटी तो एवरीवेयर इट इज रिक्वायर्ड, ह्यूमिनिटी इज रिक्वायर्ड। इन योर वर्क प्लेस हम्बेलिटी, हम्बेलिटी इज दैट कि आप ह्यूमिलिटी, सपोज आप दूसरों को चांस देते हो, लेट देम शाइन, लेट देम गिव द चांस टू शाइन। आपको पता है कि आप, यू आर बेटर इन योर स्टडीज, बेटर इन योर स्किल, बट यू आर गिविंग चांस टू अदर, और अपना ग्राफ लो रखते हो, दैट इज अ वेरी गुड टेक्निक। इससे आपका जितना अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा और जितना लोगों के लिए, लोगों के दिल में, इससे आपके लिए बहुत अच्छी जगह हो जाएगी। डू सेल्फ अवेयरनेस, थर्ड कंपोनेंट है, आप कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस आपने इम्प्रूव करनी है, अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस करनी है, अपनी वीकनेस को जानना है, ये देखना है कि आप फेवरेटिज्म तो नहीं करते, कितने ऑनेस्ट हो आप, ये आपकी क्या है, सेल्फ अवेल्युएशन है। Then examine how you react to stressful situation. आप बहुत ज्यादा stress में properly react करते हो, या फिर ऐसा तो नहीं है कि stressful condition में आपकी efficacy decrease हो जाती है, आप उसको properly कैसे handle करते हो, अपने emotion को under control करते हो या नहीं करते। Take responsibility for your action. अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग अपोलोजाइज फॉर दैट, किसी को हर्ट करते हो प्लीज अपोलोजाइज, ये आपको, इससे आप छोटे नहीं हो जाते, सॉरी करने से कोई भी छोटा नहीं होता, बट फॉरगिवनेस एंड फॉरगेटनेस ये आपकी अपनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इफ यू अपोलोजाइज एंड समवन फॉरगिव यू एंड फॉरगेट इट, इट इज बेसिकली फॉर योर हेल्थ, एंड सेम इज फॉर यू, फॉरगिवनेस एंड फॉरगेटनेस सीखो। हम फॉरगिव तो कर देते हैं लेकिन फॉरगेट नहीं करते, काइंडली फॉरगेट करो, फॉरगिव करने से आपकी अपनी हेल्थ, सिर्फ फॉरगिव करने से अपनी हेल्थ, स्ट्रेस आपका कम नहीं होगा। देन एग्जामिन
how your action will affect other. Put yourself in her or his place. अपने आप को उसकी प्लेस पे रखो, देन एग्जामिन. ठीक है, आपकी सपोज यू आर एक्साइटेड और यू आर एंग्री विद समवन, आप सोचो कि वो किस कंडीशन में है. इफ ही आर शी इज नॉट डूइंग प्रॉपरली, आपका सब ऑर्डिनेट है बट नॉट डूइंग अ प्रॉपर जॉब और नॉट, तो उसको ट्रेस करो कि देर इज समथिंग रॉन्ग विद his environment, rather than that कि आप उसको अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखो. And most important thing I would like to say, don't give others the power to control your emotion. Those are only yours, and it is only for you to manipulate. Understand? इसमें कोई problem तो नहीं? ये सेंटेंस जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. थिंक पॉजिटिवली एनी प्रॉब्लम, बिकॉज आई एम स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक. एनी प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स? नो, थैंक यू. Can I start the new topic? Okay. New topic is metacognition. Metacognition is know about knowing. कैसे लगा ये वर्डिंग, नो अबाउट नोइंग? मुझे, मैंने जब फर्स्ट टाइम सुना था तो मुझे अजीब सा लगा था, ये क्या है नो अबाउट नोइंग, आप कितना जानते हो. इट हैपन्स, आप मुझे समझ आ गई है. इट हैपेंस लॉट ऑफ टाइम कि आप, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम आर प्रिपेयरिंग फॉर योर सब स्टेज आर एनीथिंग एनी क्विज, यू आर गिविंग लॉट ऑफ टाइम टू अ चैप्टर बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी डिफिकल्ट. एंड मेन थिंग इज दैट कि यू डोंट नो कि आप कितना जान गए हो. आप some students are so obsessive, obviously all the medical student they are obsessive to some extent. वो अपनी studies में obsessive थे तो उन्होंने इतने marks लिए और in colleges में medical and BDS में वो उनका admission हुआ. आप obsession इतना हो गया कि you don't know about your knowing, आप कितना इस chapter को जानते हो, you don't know. आप उसको बार बार रिवाइज कर रहे हो और बार बार पढ़ रहे हो. ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता रहा है. आप हाउ यू व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव इज टू टेल यू व्हाट इज मेटाकॉग्निशन. How do I teach my students about metacognition? आपने कैसे करनी है metacognition? What metacognitive strategy should I use? ये बेटा सारा का सारा आपकी academic performance से related है, obviously कि आप कितना जानते हो, कैसे पढ़ना चाहिए आपको और कैसे आपको किसी भी subject की preparation करनी चाहिए. It is all about that. ठीक है, definition understanding of our own learning process is metacognition. हमारा, हमने खुद कितना लर्न किया है, हमारा अपना लर्निंग कितनी हुई है, हमने कितना सीखा है इस चैप्टर से. हम आर यू एबल टू डू MCQs? आर यू एबल टू डू सम फॉर एनी क्विज आर SEQs? ठीक है, आप एक चैप्टर को पढ़ते हो तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड मेटाकॉग्निशन. आप अपनी लर्निंग के बारे में जानो कि मुझे कितनी ग्रिप हुई है इस चैप्टर पे या इस टॉपिक के ऊपर मेरी कितनी ग्रिप हुई है. लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का कितना पता चला है, दैट इज मेटाकॉग्निशन. हाउ मच यू नो अबाउट दैट.
Now, metacognition, thinking about your own thinking, text plus thinking, real thinking, that is real. Your text hota hai aur thinking aap karte ho, that is basically real thinking. And thinking your inner voice. Inner voice, ke aap, again, you are thinking, ke, how perfect I am. Metacognition. If you are doing your metacognition according to your preparing your chapter or your topic on metacognition basis, then it will increase your capability. Thode time mein zyada padhoge. Self-regulation. You are able to regulate yourself. Is it okay? Understand, beta? Learner autonomy. Again, you are autonomous. It is up to you. आप रटा लगा के पढ़ना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो, आप किस तरीके से इसको पढ़ना चाहते हो, आप MCQs के point of view से इसको पढ़ना चाहते हो, SEQs के point of view से पढ़ना चाहते हो, it's up to you. Demonstrated by teachers and learner. Teachers और learner आपको थोड़ी सी डेमोंस्ट्रेशन देते हैं, जस्ट थोड़ा सा बताते हैं, कोई बुक्स का आपको रेफरेंस दे देते हैं, बाकी आपने सेल्फ रेगुलेशन खुद करनी है. आपकी ऑटोनॉमी है, मेटाकॉग्निशन के सारे कंपोनेंट आई विल टेल यू लेटर ऑन, वो आपने खुद कंप्लीट करने हैं. असेसिंग योरसेल्फ. आप किसी भी टॉपिक पे फर्स्ट टाइम जब पढ़ते हो तो क्या होता है, आप असेस करते हो. सपोज आपने कोई FSC में टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो आपने FSC में नहीं पढ़ा हुआ, जब पहले आपने कभी नहीं पढ़ा हुआ, तो वो टॉपिक आपके लिए क्या होता है, वॉइस बिल्कुल नया होता है. फिर सेकंड स्टेज में जब आप थोड़ा सा उसको पढ़ लेते हो, एक रीडिंग करते हो, जब नया होता है तो आप उसको डिफरेंट एंगल से देखते हो कि मैं इस ये नया है तो मैं इसको it is quite difficult or easy in that angle. After that, आप क्या कहते हो, उसको एक रीडिंग देते हो, दो रीडिंग देते हो, तो then आप कहते हो कि no, I am learning it. Apprentice का मतलब क्या होता है, like in your learner phase, आप learning phase में हो. After that, जब आप इसके ऊपर further पढ़ते हो, इसको further practice करते हो, Now I am a practitioner. Now I can practice it. अब आप इस काबिल हो गए हो कि you can solve some MCQs, SCQs, or you can give demonstration. You are not able to give demonstration other, but you are able to understand it. अब आप practitioner हो गए हो. Then I am an expert. आखिर में आप जब प्रैक्टिस करते हो तो उसके बाद आप एक्सपर्ट हो जाते हो. नाउ यू कैन डेमोंस्ट्रेट इट टू अदर्स. ये आप कोई भी टॉपिक जब लेते हो तो ये चार फेजेस आती हैं उसमें. नाउ थ्री मेन फेजेस इन लर्निंग, प्लानिंग फेज, मॉनिटरिंग फेज एंड एवेल्युएशन फेज. Planning phase, this is the phase in which the learner is preparing to tackle what is to be learned. What I know it before, already mujhe iska kitna pata hai. How it is important for MCQs or SCQs. How much it is interesting. Ye interesting hai, toh mere liye iska interest kitna hai. Meri practical life ke liye iska kitna interest hai. That is your प्लानिंग फेज. प्लानिंग के बाद सेकेंड फेज आ जाती है योर मॉनिटरिंग फेज. बेटा मॉनिटरिंग फेज बेसिकली ये होती है कि यू आर वाइल गोइंग थ्रू द मटेरियल टू बी लर्न, लर्नर कैन मॉनिटर देयर लर्निंग बाय आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चन. फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ आई एम आई ग्रेस्पिंग द टॉपिक, मैंने कितना इसको पढ़ लिया है. आप
अपनी खुद थिंकिंग करते हो, खुद उसको रिपीट करते हो, सेल्फ रेपिटेशन करते हो, और सेल्फ रेपिटेशन में आपको पता चलता है कि कितनी चीजें आपने छोड़ दी हैं और कितनी चीजें आपने रिपीट कर ली हैं, कितनी चीजें आपके ब्रेन में है और कितनी चीजें आप छोड़ गए हो. देन यू हैव अ सेकेंड लुक. आप उसको क्या करते हो, जो चीजें आपने छोड़ दी होती हैं, आप फिर एक दोबारा उस टॉपिक के ऊपर एक दोबारा उसको देखते हो, स्टडी करते हो, एक सुपरफिशियल स्टडी करते हो, एंड देन अगेन यू मॉनिटर योर सेल्फ इन योर ब्रेन. ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप पिक कर लेते हो, आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को राइट डाउन कर लेते हो और उनको दोबारा से सीखते हो, लर्न करते हो. एवेल्युएशन फेज. ड्यूरिंग दिस फेज, आफ्टर कंप्लीटिंग व्हाट वाज टू बी लर्न, लर्नर कैन आस्क देमसेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ शुड आई करेक्ट माई एरर्स. अब आप कहाँ पे, अब आप अवेल्युएट अपने आप को कर रहे हो, आप ये देख रहे हो कि मुझे अपने एरर्स को कहाँ पे करेक्ट करना है, और मैंने अपना गोल, मैंने इस टॉपिक को जिस सेंस में पढ़ना था, एटोनमी आपकी है, यू आर एटोनमस, यू वांट टू रीड इट इन एमसीक्यू स्टाइल, आर यू वांट टू रीड के मैंने, मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आप चाहते हो कि मुझे इतना होना चाहिए कि मैं इसको एलेबोरेट कर सकूं प्रॉपरली इन एसईक्यू, दैट इज योर ऑटोनॉमस, और आप उसमें अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली अवेल्युएट करोगे कि हाउ शुड आई करेक्ट माई सेल्फ, एनीथिंग आई डोंट अंडरस्टैंड. सबसे पहले तो आप ये ट्रेस करोगे, इज देयर एनीथिंग विच आई कांट अंडरस्टैंड, और सेकंड क्या आएगा कि हाउ शुड आई करेक्ट माई सेल्फ, हैव आई अकम्प्लिश्ड माई गोल, आपने कंप्लीट कर लिया अपना गोल, गोल की नहीं. देन मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजी फॉर मेडिकल स्टूडेंट. मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए क्या होती है, जब वो उनके पास मटेरियल, ओब्वियसली आपके पास मटेरियल, अ लॉट ऑफ मटेरियल, आपके पास कोई छोटी एक बुक, आधी बुक नहीं है जिसको आपने स्टडी करना है और पास हो जाना है. आपके पास नंबर ऑफ बुक्स हैं जिनको आपने पढ़ना है. तो अब आपने क्या करना है, इसका ट्रिक क्या होता है, क्लियर अबाउट योर टास्क. आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है, कितना पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, विच इज योर प्रॉपर बुक, रेफरेंस बुक. आई एम नॉट सेइंग कि आप, आपको अगर एक छोटी बुक से पढ़ के या किसी ऐसे ऑथर की बुक पढ़ के जिसने बहुत ज्यादा एलेबोरेट नहीं किया होता, बट योर टारगेट इज ये दैट यू मेमोराइज ऑल थिंग, ऑब्वियसली इट्स अप टू यू कि आप वो बुक यूज करो. ठीक है, डिटरमिन स्ट्रेटजीज, ग्राफिक, ऑर्गेनाइजेशन, ड्राइंग, आप ड्राइंग करो, इसके नोट्स बनाओ, ठीक है, ऑर्गेनाइज करो इसको, हाईलाइट की पॉइंट जो जहां जहां की पॉइंट है उनको हाईलाइट करो, दैट इज अ वेरी गुड हैबिट. ठीक है, हाईलाइट करोगे, नेक्स्ट रीडिंग दोगे तो क्या होगा, वही पॉइंट जो आपने हाईलाइट किए होंगे वो आपको क्या है, आप दोबारा से रिवाइज करोगे, आप बाकी को रिवाइज करना छोड़ दोगे, हाईलाइटेड पॉइंट्स को रिवाइज करोगे और पूरा जो टॉपिक है आपकी ग्रिप में आ जाएगा. आइडेंटिफाई व्हाट यू नो एंड व्हाट इज अनफेमिलियर वर्ड. ऑब्वियसली अनफेमिलियर वर्ड्स को आप आइडेंटिफाई करोगे, उनके मीनिंग देखोगे. नाउ सेट गोल्स एंड डेडलाइंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके प्रॉफ की तैयारी कर रहे हो, आपका गोल, आपने एक टाइम टेबल बनाया है, अपने गोल्स सेट करने हैं उस कैलेंडर के अकॉर्डिंगली कि 13 तक मुझे आई हैव टू कवर बायोकेमिस्ट्री, फिर 18 तक मुझे ये वाले टॉपिक कवर करने हैं, 19 तक ये टॉपिक. देन जो आप डेडलाइन दो, अपने अपने आप को डेडलाइन दो, रादर देन दैट कि आप जी प्रॉफ की तैयारी हो रही है, नो, आप एक घंटा दो घंटे लगा के प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, यहाँ पे आपका गोल टॉपिक के साथ सेट हो, डेट के साथ डेडलाइन दी हो, तो उस डेडलाइन को आप कोशिश करो कि उस तक पूरा करो. ये नहीं है, ऐसा गोल नहीं सेट करो जो अचीवेबल ना हो. ओके, ये ऐसा गोल नहीं सेट करना कि दो दिन में हमने बायोकेमिस्ट्री पढ़ लेनी है, एक दिन में हमने कोई बहुत लेंथी टॉपिक को कवर कर लेना है उसको प्रॉपरली, तो जो अचीवेबल गोल नहीं होंगे, यू विल नॉट अचीव दैट,
तो आपको डिप्रेशन होगा, आपको स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस आपको डिप्रेशन पे ले जाएगा, सो दैट फर्दर आपकी एफिकेसी डाउन हो जाएगी. अंडरस्टैंड, गोल ऐसे सेट करो जो अचीवेबल हो. अंडरस्टैंड बेटा, गोल मस्ट बी अचीवेबल एंड देयर शुड बी सम डेडलाइन विच यू आर गिविंग. डिटरमिन हाउ टू ओवरकम द डिस्ट्रैक्शन. जो आपको डिस्ट्रैक्शन आती है ड्यू टू एनी फैमिली मैटर्स, ड्यू टू एनी अदर इश्यूज, आपकी उनको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं और घर में कोई इश्यू आ जाता है, कोई गेस्ट आ जाते हैं, तो उनको आपने ओवरकम कैसे करना है, उन डिस्ट्रैक्शन को. अंडरस्टैंड बेटा, एनी प्रॉब्लम काइंडली टेल मी, एनी क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स. नो मैम, डिड यू अंडरस्टैंड समथिंग? No, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Okay. Understand metacognition? Time हो गया. Metacognition का पता चल गया बेटा? Understood? और now you are able to understand how to learn and how to prepare your topic? How to not get distracted with YouTube. Okay. Allah Hafiz. Allah Hafiz, everyone.